उधर रोहतक पहुंचे पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने कमिश्नरी के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, जो भी काम गांव के विकास के लिए चल रहे हैं उसमें तेजी लाएं। और इस बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अभी लगभग मैं कह सकता हूँ कि 100% सरपंच, अभी भी हमने सारा डाटा अधिकारियों के साथ बैठ के शेयर किया कि काम पर लग चुके हैं, सब ने अपने टेंडर गांव में विकास कार्य कराने शुरू करा दिए हैं। कुछ राज्य से प्रेरित कुछ लोग अपने गांव का, मुझे लगता है कि अपने गांव का विकास ना चाह के वो लोग किस मंशा से एक दो जगह अपना राजनीतिक प्रदर्शन कहूँगा उसको करने में लगे हुए हैं। बाकी हमने तो उनसे भी अनुरोध किया है, आप अपना राजनीति कीजिए, उसमें कोई नहीं, लोकतंत्र में आपको सबको आज़ादी है, लेकिन अपने गांव के विकास को ना रोके। गांव का विकास, गांव की जनता आपसे जवाब भी मांगेगी और किसी बड़ी उम्मीद के साथ आपको गांव की जिम्मेवारी दी है, तो हमारा तो उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी राजनीति करते रहें लेकिन गाँव का विकास करें। एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं और जो बदलाव, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। जो फैसले आज, ये एक अच्छे फैसले कह सकता हूँ, प्रदेश हित के फैसले कह सकता हूँ और दूसरी भाषा में सख्त फैसले भी हैं, ये इनको लेने के लिए आपके अंदर एक प्रदेश के प्रति जुड़ाव और प्रदेश के प्रति लगाव होना चाहिए। वो फैसले हमने लिए हैं, आम जनमानस के भलाई के कार्य करने की तरफ आगे बढ़े हैं। आज जो हमारे जो पंचायत राज डिपार्टमेंट है, हमारा ये विभाग है, इसके अंदर आप देखेंगे पहले पैसे का हिसाब किताब नहीं था, आज उस हिसाब किताब की बात आई है। उसके अंदर एक काम में समयबद्ध तरीके से काम हो, उसकी डिलीवरी हो, उसकी हमने इसके अंदर सुनिश्चित किया है और गुणवत्ता के साथ काम हो। भाई उसमें जो व्यवस्था प्रतिन हुई है, जो जिनके कहीं कुछ ऐसे आदमी जिनके इनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, वो अगर कहीं डिस्टर्ब हुए तो शायद हो सकता है उन लोगों को इससे परेशानी हो, लेकिन आम जनमानस इससे खुश है कि हमारे गाढ़े खून पसीने कमाई का पैसा सरकार गाँव में भेजना चाहती है और उसको लगवाना चाहती है और पूरा हरियाणा की जनता हमारे साथ है। पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, परिस्थितियों के हिसाब से मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों ने प्रदेश हित के लिए सरकार, गठबंधन की सरकार बनाई। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमने जो प्रदेश के लिए हम भलाई की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, दो वादे हम जनता से करके आए थे, उनमें हमने कुछ वादे पूरे भी किए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी हैं, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, जब उनके मंच पर वो बोलेंगे तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। अभी हम सरकार गठबंधन में चला रहे हैं और आने वाले जब 5 साल के बाद चुनाव होगा, वो समय की परिस्थितियां तय करेंगी कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की जरूरत रहेगी कि आने वाला चुनाव गठबंधन में। जो हमने, आप देखेंगे पूरे हरियाणा में अगर आप गांव की तरफ निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या है, कुछ इश्यूज़ हमारे इन 2-3 जिलों में पर्टिकुलर ज़्यादा थे। हमारे झज्जर की बात करूँ, रोहतक की बात करूँ, सोनीपत की बात करूँ, उसके बावजूद जोड़ों के काम भी हमारे जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी बड़े हैं। लाइब्रेरियों के काम भी आप देखेंगे, बिल्डिंग अगर किसी गाँव में जाएंगे, मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, आप भी विजिट कीजिए जाके, कि एक बदलाव आपको नज़र आएगा। ये ऐसा फैसला था जो हमारी सरकार ने लिया और पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा हरियाणा प्रदेश के लिए की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में और सुविधा देने का काम करें। अभी इस बजट सेशन में देश के प्रधानमंत्री ने इसको पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये हमारे प्रदेश के जो कई फैसले ऐसे हैं जो अदर स्टेट भी उनको लागू करने में लगी हो, जैसे परिवार पहचान पत्र की बात है, अदर स्टेट ने भी अडोप्ट किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की सोच जनता की भलाई की है, डेवलपमेंट की है, और जो ये कार्य मैंने आपको गिनाए हैं, इन कार्यों को एक बार मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप गांव की तरफ जाएं। समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सिर्फ वोट की राजनीति ना हो, काम की राजनीति हो, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।